मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा व डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने परीक्षा केंद्रों का भ्रमणशील रहकर निरीक्षण किया। वही संबंध में डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा कि आरक्षी नागरिक पद के लिए रेंज के सभी जनपदों में परीक्षा हो रही है, जो कि 4 पालियों में हो रहा है। अभी तक सभी परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। इसके लिए सभी राजपत्रित अधिकारी व थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में 46, देवरिया में 16, कुशीनगर में 22, महाराजगंज में 26 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रथम पाली में 26,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अलग से ड्यूटी लगाई गई है। रेलवे व बस स्टैंड पर ड्यूटी लगाई गई है और ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत न हो और न ही शहर में जाम की समस्या हो। रेलवे व परिवहन निगम से अभ्यर्थियों के लिए बस व ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जिससे उनको जाने में किसी तरह की समस्या न हो। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा, आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए आज रेंज के सभी जनपदों में परीक्षा हो रही है। 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है, आज और कल मिला के ये एग्जाम होगी। अब तक सभी स्थानों पे सुचारू रूप से एग्जाम चल रही है, सभी स्थानों पे एग्जाम स्टार्ट हो गई है और सभी राजपत्रित अधिकारी स्टेशन ऑफिसर्स अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील है। टोटल 111 केंद्र रेंज में है जहाँ पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें गोरखपुर में 47, देवरिया में 16, कुशीनगर में 22 और महाराजगंज में 26 जगहों पे एग्ज़ाम हो रहा है। प्रथम पाली में कुल 56,000 अभ्यर्थी जो है इसमें भाग ले रहे हैं और इसके अलावा पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से भी व्यवस्थाएँ की गई है। सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पे फोर्स डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे जाम लगने के कारण अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में परेशानी ना हो और आम लोगों को भी इसमें परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे अथॉरिटीज से और रोडवेज से कोऑर्डिनेट करके एडिशनल बसेस की भी व्यवस्था के संबंध में वार्ता हो गई है। अभी तक सभी स्थानों पर सुचारू रूप से एग्ज़ाम चल रहा है और सभी लोग हम लोग अलर्ट हैं।